विकास, जम्मू कश्मीर में अब राष्ट्रपति शासन हट गया है और सरकार गठन की तैयारियां इस समय तेजी से चल रही हैं। क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर? बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। बिल्कुल, लगभग 10 सालों के बाद जो है चुनाव हुए हैं और 10 सालों बाद जम्मू कश्मीर को अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो मिलने जा रही है। तो इस बीच कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो भी उत्साहित है, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्ट रही है और जिस तरह चुनावी वादे किए गए थे उसी को लेके कहीं ना कहीं जम्मू में जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो उतना समर्थन नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक हैं वो काफी उत्साहित, नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं 10 साल के बाद जो चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को मिलेगी और इसी को लेके काफी लोग उत्साहित हैं। और खासकर अगर मुद्दों की बात की जाए तो डेली वेजर का अहम मुद्दा रहने वाला है, और जिस तरह 16 को जिस तरह ये कहा जा रहा है कि 16 को सरकार गठन हो सके, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, तो उसी को लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन और जो है वो डेली वेजर भी करने को तैयार है, क्योंकि डेली वेजरों का एक अहम मुद्दा है। लेकिन 10 सालों के बाद जिस तरह ये गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट मिलने जा रही है, इससे काफी सारे उस लोग जो हैं, आम लोग भी काफी उत्साहित हैं और साथ साथ पार्टियां भी जो है वो उत्साहित नजर आ रही हैं। उत्साहित होना बनता भी है, और इसी के साथ जो तमाम वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से किए गए थे, मैनिफेस्टो का मैं जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पर, चाहे वो 370 की बहाली हो या फिर पाकिस्तान से बातचीत हो। 370 को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी पूछ रही है कि क्या आपके पास राइट है उसे बहाल करने का, तो इस पर क्या रिएक्शन है? उसके साथ ही अगर इस पर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि 370 की बात तो हम करते रहेंगे, और जैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार चेंज हुई है वैसे सेंटर में भी जब सरकार चेंज होगी तो हो सकता है वो बहाल हो जाए, ये कहा है और कहा है कि मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ जो एक कह सकते हैं कि जो रवैया है उमर अब्दुल्ला का वो केंद्र सरकार की ओर ज्यादा डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है, यानी केंद्र सरकार के पक्ष में होते हुए नजर आए, क्योंकि बीते दिनों जो उनके बयान सामने आए कि केंद्र के साथ साठगांठ बिठाकर ही जम्मू कश्मीर का विकास किया जाएगा, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं जो रवैया है उमर अब्दुल्ला का वो काफी नरम दिख रहा है, बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है, और ये आमतौर पर जितने बयान आज निकल कर आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ तालमेल, सेंटर के साथ तालमेल बिठाकर गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उमर को भी ये समझ आ चुका है कि अब अगर जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह चलाना है तो वो सेंटर के साथ सही तालमेल रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में जो है अब विकास देखना होगा किस तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर जिसने जीत हासिल की, किस तरीके धरातल पर तमाम वादे उतारेंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।